हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं इवनिंग से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो गाइस, आज मैंने अपने हेयर्स पे मेहंदी अप्लाई किया था। आपने कल देखा ही था, मैंने मेहंदी घोला था, तो आपने देखा ही होगा। जो मैंने हेयर स्प्रे बनाया था उससे जो मटेरियल निकला था, मैंने उसी में मेहंदी को भिगोया था। तो बस इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे हेयर्स कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और कितने सिल्की हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो इस समय इवनिंग के 4 बज रहे हैं और मैं अपना मेकअप कर रही हूँ इवनिंग वाला, तो बहुत ही लाइट मेकअप करूँगी क्योंकि ये घर में ही करना है, तो ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करूँगी। और मैं रेगुलर ऐसे ही मेकअप करती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ। तो गाइज़, आज की डेट है 22 जून और दिन है सोमवार, और आज है ख़ास दिन क्योंकि आज मेरी भांजी का बर्थडे है। और वो अभी मेरे पास तो नहीं है, आपने देखा होगा, शुभि है, तो उसका नाम शुभि है, और मेरे साथ वो काफ़ी दिखी होगी ब्लॉग में आपको। तो बस बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग उसको, और मैं उसको विश करना चाहती हूँ। तो मैं शुभि, मैं तुमको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ, और मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरा मेकअप हो गया है और अब मैं चल रही हूँ किचन में, और इधर मैं बना रही हूँ नमक वाली पूरी, नमक और अजवाइन की, हमारे यहाँ काफ़ी पसंद करते हैं खाना चाय के साथ, तो बस वही बन रहा है शाम के टाइम। उसके बाद थोड़े बहुत इवनिंग के काम है जिसे मैं निपटाऊँगी, कुछ सब्ज़ियाँ धुल के रखी है उसको रखूँगी, कुछ कपड़े धुल के रखे हुए उसको रखूँगी, और इधर मैं बना रही हूँ चाय साथ में, और बस अब मैं चाय पी के आपसे मिलती हूँ। और चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले इसको धुल लेती हूँ फिर उसके बाद आगे का काम करती हूँ, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ हैं उसको फ्रिज में रखना था, तो उसको हमने मम्मी ने सुबह ही धो दिया था अच्छे से नमक पानी में, और उसके बाद सूखने के लिए रख दिया था, तो बस सूख गए हैं सब्ज़ियाँ, और उसको मैं अच्छे से एक पैकेट या पॉलीथीन में उसमें रख के उसके बाद फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी सब्ज़ियाँ हैं, ये लौकी है और टमाटर है और तोरी है, तो ये सब अच्छे से धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं, और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लौकियाँ हैं, इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो इसको जब फ्रिज में रख देते हैं तो ये काफ़ी दिन तक चलती है, और अगर बाहर रहती है तो ये ख़राब होने का इसमें डर रहता है। तो इधर मैं इसके सारे पैकेट पॉलीथीन वगैरह मैं लेके आई हूँ, और एक एक करके मैं इसमें सब लगा दूँगी, और उसके बाद मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं इधर कुछ एक पॉलीथीन मैंने ली है, उसके बाद कपड़े वाले झोले लिए हैं। तो कपड़े वाले झोले मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि इसमें मैं लौकी और तोरी अच्छे से लगा के रख दूँगी, तो ये एकदम ताज़े ताज़े रहते हैं, चाहे आप 2-3 दिन तक अच्छे से चला सकते हो इसको। सो गाइज, ये देखिए मैं सारी सब्जियों को अच्छे से लगा के इसमें रख दूँगी और अच्छे से स्टोर हो जाएगा फ्रिज में, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारी सब्जियों को मैं यूज़ करूँगी। और इधर आप ड्रम देख सकते हैं, तो ये ड्रम इसलिए मैंने यहाँ रखा है क्योंकि कुछ चावल मम्मी लाई थी, तो बाकी तो बड़े बड़े ड्रमों में रखा गए थे, लेकिन थोड़ा सा चावल जो है आधी बोरी वो बच गई थी, तो मैं इस ड्रम में इसमें डाल के उसके बाद अच्छे से रख दूँगी।
अब यहाँ कुछ कपड़े हैं जो धुले थे मैंने मॉर्निंग में, तो मैं छत से लाई हूँ और उसको फोल्ड करके सबके कपड़े अलग अलग करके फिर अलमीरा में मैं रख दूँगी, लगा दूँगी। और फिर उसके बाद शाम की दिया बत्ती करूँगी और उसके बाद फिर देखूँगी डिनर में क्या बनता है, क्योंकि अभी तो सबने नाश्ता किया है। कभी कभी हमारे यहाँ अगर शाम के टाइम नाश्ता कर लेते हैं तो फिर रात में सिर्फ लाइट कुछ खा लिया जाता है, जैसे मीठी दलिया हो गया या फिर नमकीन दलिया हो गया, तो फिर खाने का कुछ वो नहीं रह जाता। फिर देखिए क्या बनता है डिनर में, अगर अच्छा कुछ बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी ये डैडी और इनके पैंट शर्ट हैं, ये सब प्रेस करने के लिए हैं, तो इसको मैं बाद में फुर्सत से प्रेस कर दूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, काफ़ी कुछ काम अभी करना है, तो फिर देखते हैं इसको बाद में प्रेस कर दूँगी, पहले इसको सब हटा के कपड़े हटा के मैं यहाँ से रख दूँ। और अब मैं यहाँ पे शाम की दिया बत्ती कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं देखूँगी क्या डिनर में बनाना है। और चलिए दिया बत्ती करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं नाइट फेस सीरम एक बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे जो है छाइयाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों से मैंने देखा है कि गर्मी की वजह से डार्क सर्कल होने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए मैं इसमें ये लगाऊंगी तो मेरे जो डार्क सर्कल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जिसके फेस पे छाइयाँ होती हैं उसके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। काफ़ी उस बना के बताती हूँ कि ये फेस सीरम कैसे बनाते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, और इसको इस फेस सीरम को आप 10 दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और रेगुलर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं रात को सोने से पहले। तो मुझे लग रहा था कि चलो कुछ दिनों से मैं बना लूँ, क्योंकि मैंने बनाया था तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैं उस फेस सीरम को बनाने के लिए मैंने ये इतने आइटम मैंने लिए हुए हैं, ये देखिए। तो मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो इसमें फेस सीरम के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच गुलाब का, ये देखिए ये गुलाब जल हमने 1 चम्मच ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें डाल दिया, और उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच बादाम का तेल ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच ही आपको इसमें ऐड करना है, ये देखिए से मैंने ऐड कर दिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई की टैबलेट, तो इसके इसमें हम सिर्फ 2 ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं इसमें सिर्फ ये देखिए 2 ड्रॉप इसमें ऐड की हूँ, और इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूँगी, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ लगा के कि ये जो हमने सीरम बनाया है वो अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है। तो मैं क्या कह रही थी कि ये जो फेस सीरम है वो जिसके फेस पे झाइयाँ होती हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। आप इसको रेगुलर रात के सोने के पहले इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके डार्क सर्कल की समस्या हो, तो इस कुछ दिनों से गर्मी की वजह से मेरे आँखों के जो नीचे डार्क सर्कल कुछ समझ में आ रहा था कि ये हल्का हल्का हो रहा है, डार्क सर्कल शुरू हो रहा है वरना, तो इसीलिए मैंने ये फेस सीरम बनाया है। तो इसी आपने देखा कि इसको कैसे बनाना है, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, और कितना अच्छा इसका जो कलर आया हुआ है, ये देखिए। और इसको आपको अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेना है, तो वैसे भी मेरा फेस क्लीन है, तो आप इस तरह से ले लीजिए और उसको अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसमें ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच ग्लिसरीन भी इसमें ऐड हो सकता है, बट मैंने नहीं किया है। तो बस आप इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, और ये रेगुलर आपको सिर्फ रात के सोने से पहले ही करना है, और बाकी इसको आपको धोना नहीं है बिल्कुल भी, वॉश नहीं करना है, इसको लगा के सो जाना है। और इससे आपको 101% आपको मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ही आपको फ़र्क पड़ने वाला है आपके फेस पे, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने फेस पे। तो ये मैंने लगा लिया है अपने फेस पे अच्छे से, बहुत ही अच्छा सीरम है। आप इस सीरम को मेकअप के पहले भी लगा सकते हो, और जब आप मेकअप रिमूव करते हो उसके बाद भी लगा सकते हो,
तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये मैं बना ही रही थी अपने लिए। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि डिनर बनाने के लिए, तो डिनर जो है आज हमारे यहाँ नहीं बना क्योंकि तो शाम को सब ने नाश्ता एकदम तगड़ा कर लिया था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो। तो मैंने रात में बनाई थी आलू की पकौड़ी और दलिया मीठी वाली, तो वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप जानते हो कैसे, मतलब मैंने बता रखा है आपको पिछले ब्लॉग्स में कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइस आज का जो वीडियो है आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और नीचे दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए आपको छोड़ने का मन तो नहीं करता, लगता है कि चलो बातें करते रहें, लेकिन अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो इसीलिए कुछ तो अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी तो छोड़ना चाहिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और ज़्यादातर मैं ये कहना चाहूँगी अपने घरों में रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि अभी भी कोरोना है, ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग अभी घर में ही है, जब कुछ ज़रूरत पड़ती है तो तब हम लोग निकलते हैं। और बस स्टे होम स्टे सेफ, बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और तो ठीक है फिर, तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।